तो है गाइस, सबको स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि मैंने किस तरह से डेविड क्वेटा का जो न्यू सॉन्ग है आई एम सो गुड, उसको किस तरह से रिमिक्स किया है। बेसिकली उसी के ऊपर बात करेंगे, तो जानने के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, आ चुके हैं हम फिल स्टूडियो के इंटरफेस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंट्रो सेक्शन किस तरह से बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक पियानो लिया है जो कि हमारा जो मेन लीड है सॉन्ग का, उसको हमने इंट्रो में यूज किया है पियानो के थ्रू। ठीक है, उसके नीचे हमने एक रीज बेस यूज किया है। उसके नीचे हमने एक वॉइस पैड को यूज किया है। उसके नीचे हमने सिंपली एक प्लक यूज किया है। और गाइज, हो सकता है आपको ये थोड़ा स्लो सुनाई दे रहा होगा, वॉल्यूम उसका थोड़ा डाउन सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने मास्टर में जितने भी प्लगइन्स है सबको डिसेबल करके रखा है, क्योंकि बहुत ही वो सीपीयू इंटेंसिव है, जिसके लिए मतलब आपको सारे जो क्रैकलिंग्स वगैरह है वो सुनाई देंगे। इसलिए मैंने सारे मास्टर के जो इफेक्ट्स है उन सबको म्यूट करके रखा है। एट द एंड हम फाइनल रिजल्ट जब सुनेंगे वहाँ पे मैं इन सबको एक्सपोर्ट कर लूँगा, वहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट सुन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली बात करते हैं हमारे कोड प्रोग्रेशन के बारे में कि हमारा जो कोड प्रोग्रेशन है वो किस तरह से बना है। तो बेसिकली ये है हमारा कोड प्रोग्रेशन, इसको हम पहले सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये था हो गया हमारा इंट्रो। अभी इंट्रो में सेकंड बार में हमने वोकल्स को इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद हमारा जो बिल्डअप है वो स्टार्ट होता है। बिल्डअप में हमने सिंपली एक क्रैश यूज किया है, क्लैप का जो रिवर्ब वाला क्रैश रहता है उसको यूज किया है, और बिल्डअप ड्रम्स दो यूज किए हैं। उसके नीचे सिंपली गाइज हमने एक स्टैब यूज किया है और दो डाउन लिफ्टर्स, और हमारे मेन लीड को ऑटोमेशंस के साथ इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली हमारा जो फिलर है वहां पे हमने एक यूज किया है फिलर, और एक बेस यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिलर। और गाइस, बिल्डअप में हमने सिंपली वोकल में रिवर्ब इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हमारे ड्रॉप सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दो किक्स यूज किए हैं, एक पहला किक है और इसको हमने लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्स किक भी यूज किया है थोड़ा इंपैक्ट डालने के लिए। के नीचे हमने कुछ स्टॉम्प्स को यूज किया है, और उसके नीचे सिंपली हमने दो ड्रॉप क्लैप्स को यूज किया है। ठीक है, और ड्रॉप के सेकंड हाफ में हमने कुछ क्लैप्स को भी इंट्रोड्यूस किया है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल हमारा रिदम है, और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बेस लाइन के ऊपर, जो हमारा ड्रॉप बेस लाइन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सब बेस है, और इसको हमने नेक्सस से बनाया है, और एक है हमारा मिड बेस जो हमारा मेनली सारे फ्रीक्वेंसीज को कैरी करता है, ये बेसिकली हमने जीएमएस से बनाया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको हमने किस तरह से प्रोसेस किया है। अभी इसका जो मिक्सर वर्ज है इसको हम म्यूट करते हैं, सबसे पहले इसको सुनते हैं बिना इफेक्ट्स के। ठीक है, ये इतना डिफरेंस लाता है। तो सबसे पहले हमने एक पैरामेट्रिक EQ टू लिया है, कुछ फ्रीक्वेंसीज को कट किया है, उसके बाद हमने सिंपली फ्रूटी फर्स्ट डीट को यूज़ किया है कुछ डिस्टॉर्शन ऐड करने के लिए, उसके बाद वेव शेपर इसमें भी हमने कुछ डिस्टॉर्शन ऐड किया है, उसके बाद एफेक्ट्स यूज़ किया है, जो हमारा हमारा जो आता है इफेक्टर उसको यूज़ किया है, उसके बाद OTT यूज़ किया है कुछ कंप्रेशन के लिए, उसके बाद फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ टू और एक फ्रूटी पैरामिड EQ टू कुछ फ्रीक्वेंसीज को कट करने के लिए और कुछ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के लिए, उसके बाद हमने लास्ट में LFO टू को यूज़ किया है साइड चेन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो सब बेस है और जो मिड बेस है वो दोनों साथ में कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारा जो ड्रॉप कोड है उसको हमने किस तरह से, बेसिकली वही कोड का पैटर्न है, उसको हमने सिंपली इस पैटर्न में यूज किया है। और यहाँ पे सिंपली हमने चार लेयर्स को, मतलब चार प्रीसेट को लेयर किया है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं उसे देखने के लिए, और उसके बाद हमने सिंपली वही स्टैब और डाउनलिफ्टर्स को ऐड किया है, उसके बाद हमारा जो मेन लीड आता है, ठीक है, इसको हम पहले अनम्यूट कर लेते हैं, अभी सुनते हैं हमारा जो मेन लीड है ड्रॉप का वो किस तरह साउंड करता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स को हमने यूज़ किया है और सबको हमने यहाँ पे असाइन करके एक ग्रुप बज में असाइन किया है, जिसके बाद हमने जो सारे हमारे इफेक्ट्स हैं उन सबको यूज़ किया है। सबसे पहले तो एक पैरामीटर EQ टू जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज थे उनको हमने कट किया है, उसके बाद एक OTT कंप्रेशन के लिए, उसके बाद और एक पैरामीटर EQ टू जहाँ पे हमने बहुत सारे अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को कट किया है, उसके बाद भी हमने और एक पैरामीटर EQ टू लिया है, बहुत सारे जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे मेन मिक्स में फिट बैठता है। ठीक है, उसके बाद डी ब्लू टैप स्टॉप इफेक्ट यहाँ पे हमने ऐड किया, उसके बाद पैरामीटर EQ टू थोड़ा सा हमने हाई एंड इसमें को कट किया है, उसके बाद और एक पैरामीटर EQ टू और कुछ फ्रीक्वेंसीज को हमने यहाँ पे कट किया, और रिवर्ब यहाँ पे हमने डाला है, और एक LFO टूल बेसिकली साइड चेन के लिए, और एक पैरामीटर EQ टू ये बेसिकली हमारा फिल्टर ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये रिकंस्ट्रक्शन अच्छा लगा होगा। अभी हम इसका फाइनल प्रीव्यू लेते हैं कि ये किस तरह से साउंड करता है। ठीक है,